नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच आज पहला वनडे खेला जाना था, जिसे मैच शुरू होने से ठीक पहले न्यूजीलैंड टीम ने खेलने से इनकार कर दिया। जी हां गाइस, पाकिस्तान ने फुल सिक्योरिटी दी हुई थी वहां पे न्यूजीलैंड की टीम को, लेकिन इसके बावजूद न्यूजीलैंड ने ये बताया कि उन्हें किसी से थ्रेट मिला है और ऐसे में उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरकार पहले वनडे से ठीक पहले नहीं खेलने का निर्णय लिया। जी हां दोस्तों, और अब न्यूजीलैंड की टीम जो है वो अपने देश वापस लौटने वाली है। तो दोस्तों, निश्चित तौर पे न्यूजीलैंड ने सभी को यहाँ पे चौंका दिया है। मैच के शुरू होने के ठीक पहले न्यूजीलैंड ने सभी को चौंकाते हुए इस मैच को नहीं खेलने का फैसला लेकर कहीं ना कहीं सभी को हैरान कर दिया। आपको बता दूं दोस्तों कि पाकिस्तान के तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने न्यूजीलैंड को कहा था, उन्होंने न्यूजीलैंड को बताया था कि आपके लिए हम हर तरह की सिक्योरिटी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन दोस्तों इसके बावजूद सभी ब्रॉडकास्टर वहाँ पर तैयार थे और मैच बस शुरू होने को ही था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने आखिरकार उन्हें उन सभी चीज़ों को नकार दिया और इस मैच से कहीं ना कहीं खुद को वापस कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, ये मैच जो है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे वो रद्द हो चुका है और न्यूजीलैंड ने अपना नाम वापस ले लिया है इस मैच से। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये एक चौंकाने वाला फैसला जरूर लग रहा है न्यूजीलैंड की तरफ से, लेकिन गाइज आप सभी जानते हैं कि वहाँ पे आतंकी संगठन का क्या दबदबा रहता है पाकिस्तान में। गाइज, आपको क्या लगता है, न्यूजीलैंड ने इस मैच में नहीं खेल करके बेहतर किया है या फिर उन्हें यह मैच खेलना चाहिए था, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर लेना और गाइज हमारे चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।